आज मैं आपको एंथोरियम को लगाने के लिए सिखाऊंगा कैसे लगाया जाता है इसका पौधा। देख लीजिए, इसका ये फ्लावर है। आपको सबसे पहले जिस पॉट में लगाना है उस पॉट को रेडी करना होता है। मुझे इस पॉट में लगाना है तो मैं इसको पहले रेडी कर रहा हूँ। यह आपका कोकोपीट है और कंपोस्ट है, दोनों मिक्सिंग है। इसमें 70% कोकोपीट डाला जाता है और आपका 30% मिट्टी दिया जाता है। पहले इसे कुछ इस तरह से मिक्सिंग करना होता है। इसको अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि मिट्टी और कोकोपीट जो है और कंपोस्ट जो है वो बराबर मात्रा में चारों तरफ से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, देखिए इसमें होल होना ज़रूरी है क्योंकि आप पानी डालेंगे, जब पानी पूरा जम गया तो ये मर जाएगा इसका पेड़, जो भी आप इसमें लगा रहे होते हो। तो होल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पहले थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए, उसके बाद आप जो भी फ्लावर लगा रही है या कोई पौधा लगा रही है तो इसको सीधा करके बीच पे रखा जाता है। ध्यान रखें कि इसके जड़ें कहीं बाहर ना चले जाए, और इसको इस तरह से साइड से मिट्टी डाल के इसको लगाना है। ज़्यादा दबाइए भी मत क्योंकि इसके जड़ें जो है वो पूरा मर जाएगा। इस तरह से लगाने के बाद इसमें आपको वाटर देना होता है। अब जब लगा रहे हो तब उस लगाने के बाद इसको धीरे धीरे से पूरा वाटर देना होता है। हमारे पास फ़िलहाल तो स्प्रे है नहीं, इसलिए हम इसी डब्बे से दे रहे हैं। इसको फुल वाटर देना होता है जब तक कि पूरा गीला यहाँ तक ना हो जाए। इसको गीला होने के बाद इसको अभी वीक में एक ही बार वाटर देना होता है। अब इसको अभी 2-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। इसको आउटडोर रखेंगे तो ये मर सकता है, इसलिए आपको इंडोर ही रखना है। इसमें अच्छे से पानी देने के बाद अब इसको लगा सकते हैं कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए और आपको कौन सा पौधा लगाना है हमें कमेंट कीजिए, हम उसी पौधे को लगा के दिखाएंगे किस तरह से लगाना है और क्या क्या डालना होता है। थैंक यू।